भाई लोग कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। भाई अभी अभी मैंने झुक झुक जियो का ट्रेलर देखा है, और ट्रेलर की सबसे अच्छी बात है, सबसे बड़ी हाईलाइट कोई चीजें था भाई, वो अनिल कपूर यार, वो मनीष पॉल एंड वरुण धवन यार, इन दोनों से भी ज्यादा मेरे को अनिल कपूर को देखने में मजा आ रहा है यार। हैंडसम एंड भाई बंदा कभी बूढ़ा होता ही नहीं भाई, ऐसे ही मतलब काम करते रहे, ऐसे हमको एंटरटेन करते रहे, एकदम मजा आता है देखने में अनिल कपूर को। अच्छा देखो इसकी स्टार कास्ट की सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, अनिल कपूर, वरुण धवन एंड मनीष पॉल। मनीष पॉल को देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज वो बंदा बहुत यार जबरदस्त कॉमेडी, उसकी कॉमेडी टाइमिंग देख लो। मैंने इसको एक रियलिटी शो में देखा था, इंडियन आइडल, जबरदस्त है यार। बंदे की जो मतलब इंडियन आइडल की जो टीआरपी आती थी वो 75% तो इसके ऊपर से आती थी, मतलब जबरदस्त कॉमेडी करता है। अब मनीष पॉल को मैं देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड अनिल कपूर तो है, वरुण धवन आई होप कि वरुण धवन अच्छा काम करेंगे। एंड भाई वो कियारा आडवाणी, यार कियारा आडवाणी का भी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। आप कबीर सिंह लो, उसके बाद शेरशाह लो, उसके बाद अब भूलभुलैया 2 जो कि एक सुपर डुपर हिट साबित हो रही है, एंड अब ये झुक झुक जियो का ट्रेलर, भाई ऐसे ही सक्सेस करते रहे और क्या चाहिए। अच्छा देखो ट्रेलर की बात करें, ट्रेलर के अंदर अनिल कपूर, मनीष पॉल, वरुण धवन, नीतू नीतू जी एंड भाई अपन कियारा आडवाणी, यार सबके सब जबरदस्त लग रहे। देखो ट्रेलर देख के एक चीज का फील आ रहा है कि भाई पैसों वाली फैमिली है, एंड कियारा आडवाणी एंड वरुण धवन हस्बैंड एंड वाइफ है, एंड भाई वहां पर वरुण धवन एंड कियारा आडवाणी चाहते कि हमको डिवोर्स चाहिए, एंड यही चीज को मतलब डिवोर्स लेने के उनके मम्मी पापा से बात करें इससे पहले कि भाई अनिल कपूर खुद बोलते थे उनको भी वरुण धवन के मम्मी से, आई मीन वरुण मतलब अनिल कपूर को उनकी वाइफ से भी डिवोर्स चाहिए, तो ये थोड़ा सा झोल होने वाला। एंड भाई प्रॉब्लम ये है कि भाई उनके खानदान में कभी किसी का डिवोर्स हुआ नहीं है, अब देखो इसके ऊपर क्या ही बताते। अच्छा देखो गाने वाने जबरदस्त लग रहे, बात करें कॉमेडी की, कॉमेडी में मेरे को बिल्कुल फीका लगा है। देखो यार कॉमेडी मेरे को इतनी खास लगी नहीं है, बट फिर भी यार देखो मैंने भूल भुलैया यार 2 के ट्रेलर के टाइम भी मेरे को कुछ जमा नहीं था, बट पिक्चर में मतलब मूवी के अंदर काफी मजा आया। बट आज के टाइम पे ट्रेंड चल रहा है, ट्रेलर में सब कुछ नहीं दिखाते, तो आई होप कि जब मूवी निकल के आएगी तो कुछ बढ़िया कॉमेडी वगैरह हमको देखने को मिल जाए, बट ट्रेलर के अंदर तो ऐसा कुछ कोई डायलॉग मेरे को देखने को मिला नहीं जिसने मेरे को हंसाया हो। बाकी बात करें ट्रेलर मेरे को काफी ओके ओके लगा यार। बात करें सब डिजाइनिंग की, मतलब वो घर वगैरह दिखा रहे, थोड़ी सी रिच फैमिली दिखा रहे, पार्टी कर रहे, ये कर रहे, पैसों वाली फैमिली दिखा रहे, डिवोर्स विवोर्स का चक्कर है, सब देखने में अच्छा लग रहा है। बट देखते जब मूवी आती है तो भाई सबसे बड़ी चीज इसके अंदर बनेगी ना वो ये कि भाई कॉमेडी किस तरह की होती है, लोगों को मजा आता है या नहीं मजा आता है, बिकॉज स्टोरी तो काफी प्रेडिक्टेबल लग रही है, बट जब देखना पड़ेगा किस तरह का होता है। फिर भी देखते कॉमेडी वगैरह बहुत मतलब कुछ प्लीज यार अच्छा दिखा देना प्लीज यार, बिकॉज देखने में तो लग रहा है कि कॉमेडी मूवी है, बट ट्रेलर के अंदर ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। एंड आप लोग बताओ भाई आप लोग ये ट्रेलर कैसा लगा है? मेरे को तो ठीक ठाक ही लगा है, बट कॉमेडी कहीं से भी मेरे को दिखी नहीं, बट आई होप कि मूवी के अंदर आ जाए, जिसके BB2 आप भूलभुलैया 2 का ट्रेलर उठा के देखते हो उसमें भी आपको कुछ ढंग के डायलॉग्स वगैरह देखने को मिले नहीं थे ट्रेलर के अंदर, बट जब मूवी आई तो मूवी ने काफी ज्यादा इंप्रेस किया है अपन को, काफी ज्यादा इंप्रेस किया। तो लाइक डेट भाई आज के टाइम पे ट्रेलर से किसी मूवी को जज करना बहुत मतलब चुतियावे वाली बात होगी। ट्रेलर तो मतलब ठीक ठाक ही लगा है, बट आई होप कि लोगों ने कुछ सेव करके रखा होगा मूवी के लिए। एनीवेज आप लोग बताओ मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ये कैसा लगा ट्रेलर, भाई मैं अनिल कपूर एंड स्पेशली मनीष पॉल का जिसमें रोल होने वाला है उसको देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग बताओ आप लोग इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।